लिए। और सुनिए, सन 1956-55 के शासनादेश आदेश SDM आदेश, तब से हम लोग आज तक ये सब अभियान चला रहे हैं, जीव हत्या नहीं होने देते, मगर हम लोगों की सुरक्षा कुछ नहीं, जान माल की कोई सुरक्षा नहीं, धमकियाँ तक दी जाती हैं जान से मारने की, आप समझ लीजिए। यही मछुआरे लोग देते हैं यहाँ, अराजक तक तो कुछ यहाँ के जुड़े हुए। हेलो फ्रेंड्स, नंदन वाजपेयी हियर, वेलकम बैक टू माई चैनल अगेन। सो फाइनली वी आर हियर, मी एंड माई फ्रेंड राहुल। अभी हम लोगों ने ये जो है तय किया है, कहीं मैं अपनी लिपि भाषा में आप लोगों के सामने आता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी होंगे हमारे चैनल पर जो मतलब सिर्फ हर भाषा को जो है मतलब जानने वाले तो होते हैं, लेकिन हिंदी जो बोले तो ज़्यादा उचित रहता है। और वैसे भी आप में से कईयों का कहना है कि भाई मेरी हिंदी उनको कुछ ज़्यादा ही पसंद है, तो अपनी लिपि भाषा में बात करने का अंदाज ही कुछ और होता है। तो फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया कहीं जाने का, और देखते हैं कहाँ चलती है अपनी गाड़ी और कहाँ तक जाते हैं हम लोग। तो फिलहाल भाई साहब हमारे जो है ड्राइव करते हुए, और ये विजयनगर चौराहे के आसपास हम लोग आ चुके हैं, आपको आगे से भी दिखा दें। और गालपी रोड के लिए मुड़ गई है गाड़ी, टर्न ले लिया इन्होंने। तो यहाँ पर स्मॉल आर्म फैक्ट्री, OEF और पैराशूट इधर नहीं है भाई, पैराशूट तो अपने उधर है। सुरक्षा और ज्यादा दिखा नहीं सकते, ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन वी कैन नॉट शूट हियर। तो फिलहाल चलते हैं और ले चलते हैं आपको अग्रिम पड़ाव की तरफ, वो क्या पड़ता है। हमारे रास्ते पर कई चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर हम लोग आज जाने को सोच रहे हैं, पर अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कहाँ चला जाए। तो देखते हैं अभी कहाँ कहाँ जाते हैं। दोस्तों, कानपुर मेट्रो का काम शुरुआत हो चुका है और बहुत ही तेज़ी पकड़ चुका है। तो उम्मीद करता हूँ, जो योगी जी ने बोला है कि 2021 तक, नवंबर 2021 तक उन्होंने मेट्रो यहाँ पर एटलीस्ट कल्याणपुर से गणेश शंकर विद्यार्थी तक दौड़ाने का जो है वो मतलब तय किया है। तो आशा करता हूँ कि उनका सोचना ये पूरा होगा और ये मेट्रो जो है हमें और आपको 2021 तक यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, दौड़ रही होगी। तो ये देखिए, मेट्रो का काम बहुत ही उम्दा चल रहा है कानपुर में, और बहुत ही जोर शोर से चल रहा है। और यहाँ पर शोभन सरकार का विख्यात प्रसिद्ध मंदिर है, और वहाँ का भी इतिहास है, ऐतिहासिक मंदिर है वो, और वो जो वहाँ के बाबा हैं वो कभी जल्दी किसी को दर्शन नहीं देते हैं, बहुत ही अल्प समय में उनको जो है अल्प लोगों ने ही जो है देख पाया अभी तक, उनके दर्शन मिले हैं लोगों को। और उसके बाद यहाँ पर आते हैं सुधांशु जी का आश्रम, अभी हमारे इधर बना है, इस्कॉन टेम्पल है। तो ये सारी चीज़ें ही जो है हमारे वर्तमान मार्ग पर विद्यमान है। तो देखते हैं क्या क्या आपको मिलता है और चलते हैं। सबसे पहले हम लोग चलेंगे कानपुर की सबसे पुरानी लिट्टी चोखा खाने, ये दुकान
40 वर्ष पुरानी है। 40 वर्षों पुरानी दुकान पर ये लिट्टी चोखा खाएंगे भाई? तो क्यों लिट्टी चोखा होता है या चोखा बाटी होता है? लिट्टी चोखा बिहारी में बोला जाता है और बिहारी में बोला जाता है, यहाँ पे चोखा बाटी बोलते हैं। चोखा बाटी आप अगर बिहार में जाएंगे तो ट्रेनों में लोग अपने सफर के लिए लिट्टी लेके जाते हैं। ये तो देखिए दोस्तों आप देखिए होती है, इसके अंदर बेसन चने का पिसा हुआ आटा मसाला ये सब बना जाता है, भूरा होता है और उसके बाद इसको कंडे की आग में फेंका जाता है और आलू और बैंगन के भट्टे के साथ दिया जाता है। तो आप समझ रहे हो कि यहाँ की देश की मिट्टी में तो ताकत है ही और लिट्टी में भी ताकत है, तो ये एक गर्व गौरव वाली बात है कि यहाँ पर मिट्टी और लिट्टी दोनों ही चीजें मौजूद हैं। आप कानपुर में चखाएंगे तो हम लोगों का जो है लिट्टी चोखा यहाँ पर दुकान आ गई है, अभी दिख नहीं रहा है यार, वो है दुकान सामने भाई, वो गाड़ी आ गई है। गरम निकलेगा का है? गरम जाओ क्या दिक्कत? कैमरा कह रहा है साफ चलता है ना। मित्रों हम पहुंच चुके हैं इस वक्त बिठूर यानी कि मंदना चौराहे पर और बिठूर वाली रोड पर मुड़ गए। यहाँ से बिठूर करीब 7 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, तो मैं आपको भी दिखाता हूँ। दोस्तों मैं आ चुका हूँ कानपुर ब्लू वर्ल्ड के ठीक सामने और ये देखिए यहाँ पर स्टैंड लगा हुआ बसों का। फिलहाल अपना इरादा आज अंदर जाने का नहीं है, इसका ब्लॉग किसी और दिन शूट करता हूँ, तो अभी आपको बाहर से ही ऐसे दिखा देता हूँ मैं बैक कैमरे से। ये ब्लू वर्ल्ड है, तो ये देख सकते हो आप, ये है हमारा ब्लू वर्ल्ड, कानपुर की शान, बच्चों की जान और हमारे शहर की आन भी है एक प्रकार से, बहुत ही प्यारा बना हुआ है। एंटरटेनमेंट करना हो तो यहाँ पे आइए, आपका जितनी भी थकान है या उलझन है कुछ भी है यहाँ आने के बाद सारी दूर हो जाती है भाई, इतना एंटरटेनमेंट है इधर। तो चलिए किसी और दिन इसका ब्लॉग शूट करता हूँ। मित्रों हम आ चुके हैं साईं धाम मंदिर और ये भी जो है जाना माना कानपुर का एक साईं धाम मंदिर है। और ये आ चुका है हमारा मनुद्वार, तो चलते अंदर। केरेश्वर यहाँ से 18 किलोमीटर है और ब्रह्मावर्त घाट 2 किलोमीटर के आसपास। यहाँ पर एक कोई किला है यार, हमने सुना। ले आओ
अबे इधर जा इधर जा इधर जा इधर जा ला इधर। बंदर तो अब तुम जा रहे हो क्या अंदर? चलो ये दुकान है, ये है बिठूर मंदिर, बिठूर ब्रह्मावर्त घाट, और सामने है गंगा जी का नज़ारा। कितने बेहतरीन दुकानें लगी हैं। अबे स्टैंड ले आते तो स्टैंड में लगा लेते यार। कहाँ है वो? अभी नाचेगा नहीं नाचेगा। ये कुछ प्रसाद की दुकानें और ये है गंगा माता, हर हर गंगे। हैं नाव से गंगे क्या पैसा लेते हो? कई लोग हैं। अरे हम ही दो हैं। कौन है? दो लोग हैं। हाँ 100 रुपये लगेगा। अरे तो फिर यार तुम आदमी ठीक हो, आदत है तुम्हारी ठीक नहीं है। ले जाएंगे। अरे नहीं यार तब बहुत महंगा बता रहे हो। अरे तो मेहनत का है, पानी पानी है उसका। नहीं मेहनत ये बता रहे हैं, हवा का काट करते हैं ना, तो एक तरफ जाने में मेहनत, एक तरफ आने में थोड़ी मेहनत लगी। ले ये ले, तुम 100 ले रहे हो, 10-10 रुपये ले रहे। हम आप ही लोगों को ले जाएंगे पूरी। आप ही लोगों को लेकर लेंगे 20 रुपए में, पर आप पुलता घुमा के लाएंगे पूरा। 20 चलो चलो आओ चलो भाई। तो हम लोगों को जो है अभी भाई साहब मिले हैं, और इन्होंने बोला है कि जो है नाव में घूमने का इरादा हो तो चलो घूम लो चल के भाई। अबे एक आदमी का 20 रुपये बता रहा है। एक आदमी 20 रुपये बता रहा है? वो 10-10 रुपये चिल्ला रहा है। कौन चिल्ला रहा था? तो नाव जा रही है उसमें बैठा ले। चलो यार बैठो। ये चलो यार ठीक है। ये तो रोक कह रहे हैं और क्या यार। क्या शुभ नाम है तुम्हारा भाई? तुम नाम आशीष कुमार द्विवेदी पंडित जी। और क्या यार भाई, ये वाजपेयी क्या बात है। चलो ये। अरे ये ले तुम भी यार। गूगल करो पूरा आ जाएगा क्या जी? वो तो हमें मालूम तभी तो आए। गूगल देख बोलिए वो लिखा देखिए ऊपर। गूगल देखा के आए भाई। अच्छा ये अभी देखते हैं, अभी देखते हैं भैया। पहले पहले बैठे। हाँ जूते निकाल देंगे यार। हाँ भैया जूता उतार रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये लो भाई तुम ये पकड़ो। दोस्तों आनंद आ रहा होगा आप लोगों को भी देख करके, और मेरा तो खैर फर्स्ट टाइम है ये फिलहाल। विपरीत रोशनी पड़ रही है भाई तो मजा उतना नहीं आ रहा। आप गूगल पे बोलेंगे बिठूर गंगा सुरक्षा दल। अच्छा तो सारी वीडियो हम लोगों की। अच्छा सारी वीडियो उसमें हम लोग मछली छुड़ा रहे हैं। मतलब वो आपका यूट्यूब चैनल है क्या? तो मित्रों आप देख रहे हो कि ये जो है हमारे कानपुर के भी जो भी मित्र हैं या आउट ऑफ कानपुर जो भी हैं वो सभी सुन ले भाई कि जो हमारा बिठूर क्षेत्र है यहाँ के जो हमारे नाविक हैं इनका अपना भी चैनल है। और क्या किस नाम से है इनका चैनल? है बिठूर गंगा सुरक्षा दल। ये पांडे जी हैं हमारे भाई, और कभी आप लोग आइए और इनके साथ नाव का नज़ारा लीजिए, मतलब बैठिए आनंद लीजिए। तो इन्होंने अपने चैनल बताया, आज मैं ज़रूर देखूंगा। आप सभी देखिए भाई, हर रविवार हम लोगों को सफाई को वाला अभियान चलता है। हर रविवार हाँ गंगा सुरक्षा दल की तरफ से सफाई होती है हर रविवार को, हर घाटों पर। हर घाटों पे जो है इनके गंगा सुरक्षा दल की तरफ से सफाई होती है, तो ये एक अच्छी बात है। सफाई होती रहना चाहिए, और माँ गंगा को वैसे भी स्वच्छ रखना ही हम सबका दायित्व ही नहीं, कर्तव्य भी। कचरा नहीं डालने देते, ये भी अच्छी बात है। ना गंगा जी में मूर्तियाँ छुड़वाते हैं। नहीं नहीं सही है। अच्छा वो जैसे जो यहाँ का मंदिर वगैरह है इनमें जो माला फूल वगैरह चढ़ता है ये कहाँ जाता है? तो बाहर जाता होगा नगर निगम वगैरह में। हाँ नगर पंचायत।
your shadow turns to sun rays, and the ये दुखी का दिखा रहे हो यार, फोटो खींचने में आज तक मेरे को नहीं समझ में आया कि आदमी ये दुखी क्यों दिखाता है। पता नहीं, दुखी है। दुखी। ये दुखी नहीं, इट्स अ विक्ट्री साइन, विक्ट्री। सो ये हमारे कुछ गंगा जी के आसपास का नजारा है। दो कपल खड़े हैं, ये कपल खड़े हैं, देखो आप कपल दूर पे देख सकते हो आप लोग। अगर बोटिंग वोटिंग करे तो भैया बताना। Turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon. Turn us to thousands. भाई साहब, दुल्हन हमारी लेटी हुई है नाव में और आनंद का माहौल। ओ माझी रे, लगाए दो पार हमरे पिया को रेखे भैया। भाई हाँ भाई, ये है अपनी नौका का नज़ारा और भाई अपने जो है काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। और भाई शुभ नाम क्या अपना? सभी ब्राह्मण हैं यहाँ पर, चलो अच्छी बात है। तो पांडे जी हमारे जो है काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और पतवार जो है खींच रहे हैं। मर्जी हो तुम्हारी। और ये है गंगा जी का नज़ारा, ये राहुल बाबू यहाँ लेट गए हैं। चलो थोड़ा इसको पकड़ो, हम झूठे उठे पानी नजर आए। नहीं, आप लोग नमामि गंगे से हो या स्वयं गंगा सुरक्षा दल की टीम है? अच्छा, आप ही सबकी टीम है। 2500 वर्षों से है, आज नहीं सेवा करते हैं। मेरा आदमी ये है, रात में हम लोग यहाँ सोते हैं, मछली ताकते हैं, जो हत्या नहीं होने देते हैं। देखिए गुफा के अंदर यहाँ से व्यवस्था करते हैं, शिकार नहीं होने देते हैं। हर संडे को सफाई अभियान चलता है, वो आप गूगल पे देखिए। ये आप लोगों की अच्छी चीज है, मगर कोई सहयोग किसी का नहीं आता। तो सरकार तो कुछ ना कुछ करती होगी। कोई सहयोग नहीं, अपने पास से झाड़ू मैया मेहनत अपने पास से हम लोग करते हैं, सब स्वयं से करते हैं। स्वयं से कोई हमें सहयोग नहीं, किसी ने दिया तो सामने तो आवे, गवर्नमेंट कुछ नहीं करती। कोई आवे तो सामने कि हमने ये किया है, सहयोग नहीं है। भाई इन लोगों का जो है अपना जो दल इन्होंने खुद बना रखा है यहाँ पे स्वच्छता अभियान के लिए, मैं गुजारिश करता हूँ हमारी खुद की यहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है और जो केंद्र सरकार, तो खैर दूर की बात है, यहीं की लोकल गवर्नमेंट से कह सकता हूँ कि इनके लिए कुछ करो। ये एक अच्छा जो है बेड़ा उठाया इन लोगों ने सफाई के लिए। और सुनिए, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग। सन 1956-55 के शासनादेश आदेश, SDM आदेश, EMW के यूसुफ जी का आदेश जो शिकार रोकने के लिए उन्होंने दिया है, वो भी आदेश भी रखे हैं। तब से हम लोग आज तक ये सब अभियान चला रहे हैं, जीव हत्या नहीं होने देते, मगर हम लोगों की सुरक्षा कुछ नहीं, जान माल की कोई सुरक्षा नहीं। धमकियां तक दी जाती हैं जान से मारने की, आप समझ लीजिए। कौन किधर से दी जाती है? यही मछुआरे लोग देते हैं, यहाँ अराजक तत्व कुछ यहाँ के जुड़े हुए। और ये कुछ नज़ारा यहाँ से लीजिए गंगा जी का, कितना दूर दूर तक विख्यात, मतलब विशाल गए गंगा जी का नज़ारा। और ये एक अच्छी बात, यहाँ के जो है लोकल जो नाविक दल है यहाँ के, उन्होंने अभी अपनी जो है समस्या बताई है। उनकी समस्या ये है, उनका कहना है कि हम लोगों ने मिल करके यहाँ पर सफाई का
बेड़ा उठाया है, कुछ अपना संगठन उन्होंने बनाया है आपस में, और उनका कहना है कि हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, जीव हत्या नहीं होने देते हैं, गंदगी नहीं होने देते हैं, किसी प्रकार की यहाँ पर कूड़ा कचरा नहीं होने देते हैं, और उनके साथ जो है मतलब कुछ भी यहाँ पर उनके ऊपर जो है कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ना कि यहाँ का कोई भी लोकल प्रशासन दे रहा है, ना गवर्नमेंट देती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर हमारी बात ये किसी अच्छे इंसान तक जाए तो वो ऊपर तक आए, जिसके लिंक अच्छे हो, तो ज़रूर पहुँचाएं इनकी समस्या को, ताकि इनको जो है निजात मिल सके सब चीज़ों से। फिलहाल हम लोग ब्लॉक पे कंटिन्यू रहते हैं। नहीं जानत है जग मा कपि संकट मोचन नाम तिहारो। सो फाइनली हम यहाँ से बाहर की तरफ प्रस्थान करते हैं, और नज़ारे हो गए हैं गंगा जी के, और नाव में भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत घूम लिया है और गंगा जी का आनंद ले लिया है। तो फिलहाल ये ब्लॉग था, इस वजह से थोड़ा थोड़ा जो है हर जगह थोड़ा थोड़ा सा जो है आप लोगों को जो है नज़ारे दे पा रहा हूँ। तो फिर कभी आप लोग बोलोगे तो दोबारा आ जाऊँगा, तो आशा करता हूँ अच्छा लगेगा आप लोगों को। तो यहाँ से अब अपना सफ़र प्रस्थान करते हैं अब सीधे घर की तरफ। सो बी ऑलवेज एंड कीप योर सेल्फ ऑन माई ब्लॉग। भूख लगी भाई, और यहाँ पर जो है कुछ खा पी लिया जाए, रोक करके हम लोग कुछ यहाँ पर जलपान करेंगे। और ये भाई साहब तो जो है बहुत तेज भुक्कड़ है, और भूख तो मुझे भी लगी है, खा लिया जाए यार, फिर बात करते हैं आगे चलते हैं फिर लेकर के। ओके दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ पर बिठूर का जो भी गंगा जी का नज़ारा था, और यहाँ के जो मछुआरे या नाविक थे, जो भी वो थे जिनका अपना दल था, वो शूट कर लिया है। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो है यहाँ का जो भी ये जितना भी मोमेंट रहा है ये पसंद आएगा। और अब गाड़ी हम चलाते हैं सीधे घर की तरफ प्रस्थान करते हैं, और भी जो रास्ते में नज़ारे होंगे वो दिखाते हैं। सो कीप योर सेल्फ ऑन ब्लॉग।